दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को सभी चार आरोपियों को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया। इन चारों दोषियों की सजा का ऐलान आज हो सकता है। इस अपराध के लिए आरोपियों को मौत की सजा हो सकती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने 237 पन्नों के अपने फैसले में मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को दोषी ठहराया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दोषियों को क्या सजा होगी, इस पर आज कोर्ट में बहस होगी, जिसके बाद सजा का ऐलान हो सकता है। 16 दिसंबर की रात पैरामेडिकल छात्रा से गैंगरेप किया गया था और उस पर हमले के खिलाफ देश भर में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद ऐसे मामलों के लिए कानून में भी बदलाव करना पड़ा था। देश को झकझोर देने वाले दिल्ली गैंगरेप केस में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को रेप, मर्डर, आपराधिक साजिश समेत 13 धाराओं में दोषी करार दिया। इनकी सजा पर आज से बहस शुरू होगी। अपराधियों पर जो धाराएं लगी हैं, उनमें सजा उम्र कैद से लेकर फांसी तक हो सकती है। 16 दिसंबर 2012 को जिस तरह देश की राजधानी में चलती बस के अंदर गैंग रेप किया गया, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। 23 साल की लड़की के साथ 6 लोगों ने पहले गैंग रेप किया और फिर लड़की और उसके दोस्त को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए थे। सरकार ने पीड़ित लड़की को इलाज के लिए विदेश भी भेजा, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप की घटना में पीड़िता के माता पिता ने कहा है कि चारों दोषियों को मौत से कुछ भी कम सजा उनकी बेटी के साथ ना इंसाफी होगी। वे किशोर को मिली सजा से भी असंतुष्ट हैं। देश भर की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट आज गैंगरेप मामले में दोषियों को सजा सुना सकता है। पीड़ित लड़की के माता पिता ने सभी आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। पीड़ित लड़की के पिता का कहना है कि उन्हें इंसाफ देर से मिलने में कोई शिकायत नहीं, लेकिन देर के बावजूद भी अगर उन्हें फांसी नहीं मिली तो मंजूर नहीं होगा। पीड़ित की मां ने कहा कि दोषियों को सजा समय से मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं उसकी बेटी के साथ ना इंसाफी ना हो। नरेंद्र मोदी की जयपुर में हुई सफल रैली के जवाब में कांग्रेस ने आज आदिवासी अंचल उदयपुर के सलुम्बर में होने वाली सभा में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सलुम्बर में होने वाली आदिवासी किसान रैली को संबोधित करेंगे। राहुल की इस रैली के बाद विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की ओर से इस तरह की रैली हर कमिश्नरी में कराई जाएगी, जिसमें से अधिकतर में राहुल गांधी संबोधित करेंगे। वहीं जोधपुर की रैली में सोनिया गांधी को बुलाए जाने की संभावना है। सोनिया से पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास कराने की भी योजना है। 2014 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में बीजेपी पीएम पद की उम्मीदवारी पर इसी हफ्ते फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 13 सितंबर को इस बात का ऐलान कर सकती है कि पार्टी से नरेंद्र मोदी ही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। 13 सितंबर को ही पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसके बाद इस बात का ऐलान किया जा सकता है। हाल ही में बीजेपी और संघ की बैठक में कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बैठक के बाद मोदी के नाम का ऐलान नहीं हुआ, जिसके बाद ही संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी नाम पर मुहर लगने का कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसलिए इस मौके पर उन्हें ये खुशखबरी दी जा सकती है। बीजेपी ने जयपुर में सुराज संकल्प सम्मेलन की समाप्ति पर मोदी की रैली से राजस्थान में चुनावी शंखनाद बजा दिया है। रैली में वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो मोदी ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। बीजेपी के सुराज संकल्प सम्मेलन में लाखों लोगों की भीड़ जुटी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भीड़ की दीवानगी ऐसी थी कि भाषण के दौरान मोदी को थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़कर खामोश रहना पड़ा। मोदी ने केंद्र सरकार पर एबीसी की नई परिभाषा से प्रहार किया। मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज स्वदेश लौट आएंगी। सूत्रों के मुताबिक वो आज सुबह दिल्ली पहुंचेंगी। सोनिया गांधी 2 सितंबर को मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गई थी। उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी अमेरिका गई थी। इससे पहले अमेरिका में 5 अगस्त 2011 को सोनिया की सर्जरी की गई थी। हालांकि उनकी बीमारी में नहीं पता चला है। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्हें दर्द और थकावट की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद वो मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गई थी।
कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी अहम फाइलें गायब होने से उठे सवालों के बीच कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि गायब डॉक्यूमेंट को खोजा जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक मामले से जुड़े अपडेट्स की जानकारी अगले 2-3 दिनों में सीबीआई को सौंप दी जाएगी। मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सीबीआई को जानकारी दी गई है कि किन दस्तावेजों को खोजा जा सकता है। इससे जुड़े अपडेट अगले 2-3 दिन में दे दिए जाएंगे। बाकी मामले की पूरी रिपोर्ट 13 सितंबर को दाखिल की जाएगी। इससे पहले कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था, जिन फाइलों को तलाशा नहीं जा सकता उनकी लिस्ट आज या कल तक सीबीआई को दे दी जाएगी। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से आगरा में होने जा रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक आगरा के होटल मुगल में 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मसलों पर चर्चा की जाएगी। मुलायम सिंह की चुनावी चालों को समझ पाना कितना मुश्किल है, इस बात को उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है। मंगलवार को एसपी सुप्रीमो ने यह कहकर सभी को हैरत में डाल दिया कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। 2012 के विधानसभा चुनाव के वक्त से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार 2014 के चुनाव उनकी पीएम उम्मीदवारी के लिए आखिरी मौका है। मैं अभी उम्मीदवार नहीं हूँ। मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। मंगलवार को हालात को देखते हुए जिले के 3 इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटे से अधिक की ढील दी गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार के मुताबिक हालात नियंत्रण में है। अधिकारियों के मुताबिक आज कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी जा सकती है। आगरा में मुलायम सिंह ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और सरकार पूरी तरह अलर्ट है। जिले में थोड़ा सा आसपास हुआ है, वहाँ रंगा तो नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में बिगड़ते हालात के बीच सियासी रोटियां सेकने की होड़ लग गई है, लेकिन सियासत करने वालों का रवैया देख धर्म गुरुओं को आगे आना पड़ा है और सभी ने एक मंच पर आकर लोगों से शांति बहाल करने की अपील की है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में एक साथ एक मंच पर अलग अलग धर्मगुरु जमा हुए। धर्मगुरुओं ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हिंसा की आग पहली बार ग्रामीण इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है, साथ ही लोगों से शांति की अपील की। लोगों के बहकावे में ना आए बल्कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। जिस तरीके से गांव और देहातों में जमनें की पैदा हुई है उसको दूर करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद आज से केदारनाथ में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। पहले मंदिर का शुद्धिकरण हुआ, फिर पूजा विधिवत शुरू हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ में आपदा के बाद पहली बार आज से दोबारा शुरू की जा रही पूजा अर्चना के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बता दें कि अभी साधु ही मंदिर में पूजा करेंगे पुजारियों और पूजा सामग्री को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर पहुंचाया गया। पहली बार पूजा बिना तीर्थयात्रियों की मौजूदगी के हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय कुमार बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ गुफा तक तीर्थयात्रा दोबारा शुरू करने पर हालात को देखते हुए 30 सितंबर को फैसला लिया जाएगा। कुदरत के कहर से केदारनाथ धाम को जो नुकसान पहुंचा, उसके निशान अब भी वहां चारों ओर मौजूद है। संतों का कहना है कि हजारों लापता लोगों के शव मंदिर के आसपास मलबे के अंबार में कहीं दबे हैं। ऐसे में पूजा की जल्दबाजी को लेकर संत समाज के साथ साथ लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार इस पूजा को लेकर इतनी उतावली क्यों हो रही है। संतों के मुताबिक भगवान शंकर के केदारनाथ धाम में पूजा कार्य में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। भगवान को शुद्ध करने की एक विधि है, अगर उसका पालन ना किया जाए तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहले उस स्मशान स्वरूप कार्य को, उस स्मशान स्वरूप धरा को पावन करना चाहिए, पुनीत करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए और स्वच्छ करना चाहिए। सत्ता का नशा समाजवादी पार्टी के नेताओं के सिर इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि इनके अपनी जुबान पर भी लगाम नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रियों के बेलगाम बोल सुनने को मिले, जहां एसपी उम्मीदवार और विधायक राधे श्याम ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अंग्रेजों का दलाल कहा, तो वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक राज्य शिक्षा मंत्री विनोद सिंह ने भी मायावती की ओर इशारा करते हुए एक फिल्मी गाने को गुनगुनाने से पीछे नहीं हटे। इन लोगों का इतिहास अंग्रेजों की दलाली करने का है। इन लोगों ने अपने राजमहल को बचाने के लिए अंग्रेजों की
कार्य करने का काम होगा। हर साल आपका दुख दर्द कोई नहीं पूछने आएगा। तब ये होगा मैं मैके चली गई तुम देखते रहियो। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर डेढ़ दिन के गणपति विसर्जन करने आए 67 लोगों को स्टिंग रे के काटने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि 55 लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 12 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। गिरगांव चौपाटी में एक साथ इतने लोगों के प्रभावित होने की वजह से सरकारी मशीनरी भी सचेत हो गई है। अस्पताल में लोगों को तुरंत इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा और खुद राज्य मंत्री लोगों का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुँचे। हॉस्पिटल में जैसे आए तो हमने पहले उपचार करने में पहले उनका जो घाव लगा था वो घाव की ड्रेसिंग वगैरह कर दी और दर्द के लिए उनको इंजेक्शन वगैरह देने के बाद करीबन 15-20 मिनट में उनको दर्द वगैरह कम हो गया।